بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عزيزان الكرام محترم ناظرين आपकी ख़िदमत में बयान किया जा रहा था बुरहान नज़म पर बाज़ मगरबी मुफ़्रीन डेविड ह्यूम का तस्करा था और उन्होंने जहाँ बुरहान नज़म के बारे में गुफ्तू की उनके जहन में इस स्कॉलर के इस मुफ़िर के कुछ शुभात और कुछ सवाल पेश आए जिनको उन्होंने लिखा है बयान किया है और एक शुभा और एक शक एक वसवसा जो उनके जहन में आया पहला आपकी ख़िदमत में बयान हुआ उसका जवाब भी दे दिया गया कि ये एक शुभा और वसवसे की हद तक है और जो दलील नज़म या बुरहान नज़म कायम की गई है हमारे ये शुभात कोई एतराज़ नहीं बन सकते इस दलील के ऊपर और इस दलील को कमज़ोर नहीं कर सकते दिक्कत करने से तवज्जो करने से ये शुभात जो जहन में पैदा हुए हैं ये सवाल जो उठते हैं ये बरतरफ हो जाते हैं दूर हो जाते हैं हमने एक ए, जो उनका शुभ था जो उनके जहन में उठा और जिस शुभे को उन्होंने पेश किया है उस उसको पेश किया गया आप सामने और जवाब भी दिया गया दूसरे शुभे को आपके सामने बयान किया गया उसके जवाब के मकाम में हमने के इस शुभ को जो जहनों में पैदा होता है नफ्स पर आरज़ होता है इस शुभे को बयान करें हमने बयान किया आपकी खिदमत में सामीन की और अपने मोहतरम नाजरन की खिदमत में हम जवाब पेश कर रहे थे और उस जवाब को आज जो है हमें मुकम्मल करना है और तकमील जवाब के लिए हम सिलसिले गुफगू को जहाँ बात हमने पहुँचाई थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे गुफगू का ये सिलसिला हमारी गुफ्तु का ताकि वो दूसरे शुबे का जवाब रोशन हो जाए और वो शुबा जो जोनों जहनों में आया है बाज़ लोगों के जैसे कि इस मुफक़्क़र की फ़िक्र में ये शुबा और ये शक जो उनके नफ्स में आया है उसको इसी तरह बहुत से इंसानों के जहनों में ये शक पैदा हो सकता है शुभा उठ सकता है कि शुभे को मैं दोहरा दूँ ताकि जवाब जो पेश किया जा रहा था उसको मुकम्मल किया जाए और एक दो नुक्ते जो थे उसको बयान करके जवाब को तकमील किया जा सके आज के प्रोग्राम में उनके जहन में जो शुभ पैदा हुआ वो ये कि चूँकि बहुत से स्कॉलर्स ने बहुत से मुफ़्न ने जहाँ बुरहान नज़म को पेश किया तो वहाँ मुनज़म चीज़ों की मिसालें जो दी हैं उनमें दोनों मिसालें पेश की हैं मुफ़रीन ने स्कॉलर्स ने अकायद के केमा ने मुख्तलिफ़ मकात फ़िक्र के लोगों ने मुफ्न ने लिहाजा ये बुरहान नज़म में जो नज़म कायनात में पाया जाता है उसके लिए मिसाल के तौर पर इंसान की मसनूआत भी कि ये सारी मसनूआत देखिए इन मसनूआत में नज़म जब्त, जिस जिन ईजाद में हम देखते हैं कि जो मसनू बशर है मसनवाआत बशर है इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ ईजाद हैं लेकिन उन ईजादात के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह नजमो वब्त और किस तरह दकीक अंदाज़े के मुताबिक और किस तरह एक्यूरेसी के साथ एक काम उससे लिया जाए उस ईजाद से और एक फ़ायदा इंसान को पहुँचे एक चीज़ को बनाया जाता है इंसान की तरफ से एक साइंसदान की तरफ से एक इंजीनियर की तरफ से एक जो है वो माहिर की तरफ से जो इल्म का जानने वाला है और आगही रखने वाला शख्स है महारत रखने वाला शख्स है लिहाज़ा उसकी तरफ से ये ईजाद जो सामने आती है उसकी मिसालें दी गई कि उस उस चीज़ के उस शय के नजम वब्त को देख कर उस शय पर गौर फिक्र करके उसको मुशाहिदा करके जितनी चीज़ों को देखें मिसालें बहुत सारी स्कॉलर्स की तरफ से दी गई जिनमें से चंद मिसालें और बाज़ मिसालें हमने अपने मौजत सामीन की खिदमत में भी पेश की हैं तो इस मुफक्र को इस्कॉटलैंड के इस मुफ़िर के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि बुरहान नज़म में ये जो इंसान और बशर की मसनूआत हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं और उनको देख कर ये जो समझाए हैं और इंसान समझते हैं कि ये बग़ैर बनाने वाले कि नहीं बनी ये तो मसनू बशर है और इसमें इंसान जो है वो सान है बनाने वाला है उसको ईजाद में लाने वाला है उस चीज़ को तो बनाकर उसने पेश किया है इंसानी माशरे में इंसानों के सामने ताकि लोग इंसान उनसे फ़ायदा उठाए उन ईजादात से, उठा से उन अशिया से जो बनाई गई हैं माहरीन की तरफ से और साइंसदानों की तरफ से वजूद में लाई गई हैं ईजाद है उन लोगों की अब देखिए उसने फ़िक्र की और ये समझा है कि जब इंसान की मसनूआत से जब हम देखते हैं कि इंसान इन चीज़ों को बनाने वाला है और फिर नतीजा लेते हैं कि ये आलम भी ये मौजूदात हैं ये वजूद रखती हैं बस इनका बनाने वाला भी है तो यहाँ अल्लाह सुबहान वाली को हम उसके वजूद को इदराक करते या समझते हैं या उसके वजूद के बारे में यकीन हासिल होता है हमें इंसानों को तो वो कहता है कि यहाँ अल्लाह सुबहान तोया आपने मसनुवात जो है कुदरती अशया जो है इनको देखा इंसान की बनाई हुई चीज़ों को देखा और कहा कि जैसे इंसान की बनाई हुई चीज़ों में जो नज़म व है बस नाज़िम चाहिए कि जो इस नज़म व को समझने वाला हो नज़म के साथ ये चीज़ को वजूद में लाने वाला हो लेकिन वहाँ अल्लाह ताला की तरफ़ से जो कुदरती मसनवात को देखा गया तो अल्लाह ताला के वजूद को जब आप साबित करेंगे अशिया को देख कर इन अशया को देख कर जो इंसान की बनाई हुई हैं और वो जो कुदरती अशया जो कायन में जिनका मुशाह करता है जिनके बारे में आगही हासिल करता है इंसान और फिर जब अल्लाह के वजूद को इंसान उसके बारे में यकीन हासिल करता है और इल्म आगही होती है इंसान को कि वजूद है खालिक का जिसने इन अशिया को पैदा किया इन सब को आलम हस्ती में ले आया है नस्ती से और वजूद अता करने वाली ज़ात है तो वो जात गोया उसको तशबी दे दी आपने इंसान जैसा कर दिया कि जैसे इंसान नज़म वह को चलाने वाला है इसी तरीके से नज़म वह के साथ इन चीज़ों को वजूद में लाने वाला है इसी तरह जब आप मिसालों के साथ ये बात करते हैं तो यहाँ पर बुरहान नज़म में ऐसा लगता है गोया अल्लाह के लिए भी आप उसके वजूद को भी सबित करते हैं बस बनाने वाले के वजूद जैसे इन मसनवात जो इंसान की पैदा करदा हैं इन इंसान की पैदावार और इंसान की ईजाद में साने जहाँ इंसान है तो इंसान के वजूद को हम समझते हैं और वहाँ कुदरती अशिया को देख कर अल्लाह के वजूद को समझते हैं गोया यहाँ पर आप अल्लाह के वजूद को शबाहत देते हैं इंसान के वजूद से और अल्लाह के वजूद को जो है वो इंसान जैसा वजूद सबित करते हैं कि वो भी ऐसा शाने हैं जो नज़म वब के साथ एक नाज़म है और नज़म वब के साथ बरकरार रखने वाला है इस चीज़ को इस शुभे का जवाब देते हुए मौजत सामीन की खिदमत में ये बात वाज की गई कि यहाँ पर एक लफ्ज़ है देखिए वजूद हम कहते हैं इंसान का वजूद और मसनवाते इंसान को देख कर हम समझते हैं कि इनका बनाने वाला इंसान है ऐसी मुनज़म अशिया जिसमें इस तरह नज़म ज़ब्त हो इस तरह बेहतरीन अंदाजे के साथ दजाम के साथ ये शे ब तो यकीन इस नज़म व के साथ इसको वजूद में लाने वाला इंसान है बनाने वाला इंसान है जो आलिम है माहिर है जानने वाला है इल्म रखने वाला है नॉलेजबल शख्स है वो जानता है जब उसने अपने इल्म और जानकारी से इन इन चीज़ों को और इन अशिया को इन ईजादात को इंसानों के सामने पेश किया हम यहाँ पर इंसान को भी कहते हैं इंसान मौजूद है बस जो इन मौजूदा को पेश करने वाला और बनाने वाला है और कुदरती अशिया को देखते देख कर और ख़ुद हम अपने वजूद को देख कर इंसानों के हम कहते हैं कि ये सब मौजूदा जो हैं जिंदगी में हम देख रहे हैं मुशाह कर रहे हैं कायनत को और कायनत की अशिया को तो आजीज़ा ने ग्रामी ये अशिया जो है वो भी बनाने वाला मौजूद है बस इंसान भी मौजूद और अल्लाह ताली भी मौजूद बस यहाँ पर अल्लाह के वजूद को अल्लाह ताला मौजूद है इंसान भी मौजूद है बस जैसा इंसान है ऐसे ही अल्लाह ताला भी मौजूद है यहाँ पर एक इश्तवा और एक यहाँ पर खलत कर दिया गया है गडमड कर दी गई है वो क्या कि लफ्ज़ तो वजूद है लेकिन इस वजूद के अफराद देखिए वजूद का माना तो यह है कि वो शय जिसके जिसकी हस्ती हो मदम ना हो अदम में न हो वो शे हो और जब है तो उस वो असर उसके असरात हैं लिहाजा अल्लाह ताला के वजूद को जब हम बुरहान नज़म से समझते हैं तो वजूद के अफराद अफराद उन अफराद में से मौजूद जितनी भी अशया हैं ये इंसान जो हैं हम, हम हैं जो हम चीज़ों को ईजाद करते हैं और बनाते हैं और पेश करते हैं इंसानों के सामने माशरे में तो हम इंसान भी वजूद रखते हैं मौजूद हैं और ये कुदरती अशिया जितनी ये आलम है आलम में पाई जाती हैं कायनात में पाई जाती हैं ये कायनात और कायनात की अशिया आते आलम ये भी बनाई गई चीज़ें हैं बस इनको वजूद में लाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है यहाँ पर इंसान मुमकिन वजूद है वजूद तो रखता है लेकिन देखिए वजूद ये वजूद के अफरा में इंसान भी मौजूद है और वजूद जब बाला तरीन मरतबे पर जाएँ जो सरचमए मौजूदात है तमाम मौजूदात का सरचशमा उनको वजूद अता करने वाला वो अल्लाह ताला वो वंद मुताल की बाबरकत ज़ात वो हस्ती जो वाजबुल वजूद है जो बेनियाजा है और ऐसा मौजूद है वो परदगार इस आलम का इस कायनत को खल करने वाला खालिक ऐसा अजीम मौजूद है और ऐसा अजीम परवरदगार है कि उसकी अजमत में आप देखिए कि जो भी सिफात हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज़ वो कि उसका वजूद अपना है और वो वाजिबल वजूद है जिसका वजूद अपना हो किसी और की तरफ से उसे न नम, मिला है और ना ही उस वजूद की बखा के लिए वो किसी और का मोहताज है हर एतबार से बे न्याज वो मौजूद बेनियाज़ मौजूद है किसी का मोहताज़ नहीं बल्कि सब के सब जो उसके अलावा जितने मौजूदात हैं वो सब उसी की मखलूक़ हैं सबको ने पैदा किया और सब ने वजूद उसी से लिया सब उसी की वजह से और उसके पैदा करने की वजह से वजूद में आई हैं तमाम अशिया लिहाजा अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों में हम इंसान हैं बस मासीब अल्लाह अल्लाह के अलावा तमाम मौजूदा तमाम अशियाए आलम ये मुमकिन वजूद हैं जो वजूद के लिए मोहताज हैं वाजिब-ul-वजूद की जो बेनियाज जत है अल्लाह सुबहान वाली की बाबरकतात के जो वाजबल वजूद है और सब ने उससे वजूद पाया सबको वजूद उसी जात से मिला बस वजूद वो भी रखता है, रखती है वो ज़ात जिसका वजूद अपना है जो वजूद के लिए किसी का महताज नहीं है बल्कि सब के सब उसके महताज हैं वजूद में आने के लिए भी और हर लहजा अपनी वजूद के बाकी रहने के लिए भी अपने जिंदगी के लिए और ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए वजूद में आने के लिए और वजूद की बका के लिए बस वजूद और बका ए वजूद हदूस हादिस होना पैदा होना पैदाइश के बाद उसका बाकी रहना हर लम्हे ये तमाम मौजूदात उस ज़ात की मोहताज हैं फ़कीर हैं फख्र रखते हैं न्याजमंदी और ज़रूरत है सबको उस ज़ात की अगर वो ज़ात का लुत्फ़ करम है फैज़ है तो ये वजूद बाकी रहेगा मौजूदात का लिहाजा वो हस्ती जो वज़ूद है और कमाल मुतलक ज़ात है और तमाम अयूब व नकाइश से मुनजह पाक व पाकिज़ा हस्ती वो ज़ा भी मौजूद है लिहाजा हमने यानी यहाँ ये यह शुभा जो पैदा हुआ है वो इसलिए पैदा हुआ कि अल्लाह को भी मौजूद कहते हैं लेकिन वो मौजूद कैसा मौजूद है वजूद के पास अफराद हैं वो एक फ़र्द है वो अल्लाह वो हस्ती जो कमाल मुतलक और तमाम अशिया की खालिक और ये तमाम मखलूकत हैं ये आलम, ये सब के सब मखलूक़ हैं वो मौजूद हैं सब महताज हैं मुमकिन वजूद हैं बस वजूद मुमकिन वजूद पर भी सादक आता है और वजूद उस वाजिबुल वजूद पर भी सादिक आता है और उसके उस, उस जात के लिए भी कहा जाता है कि वो जात वजूद रखती है वो मौजूद है लेकिन ये अफराद को हमने मिलाया नहीं है ये शुबा यहाँ से आया कि ये मसादिक और अफराद वजूद के जो हैं उनको एक को दूसरे के जैसा समझ लिया ऐसा नहीं है ये तो मिसालें कुछ पेश की गई हैं स्कॉलर्स ने ताकि जहन इस दलील को कायम करने से के साथ साथ कायम करने से पहले मुद और कायम करते हुए जो मिसालें पेश की जाती हैं इन मिसालों से जहन नज़दीक हो जाए उस दलील और उस एविडेंस और उस प्रूफ़ और उस आर्गुमेंट की तरफ कि जिस आर्गुमेंट के ज़रिए इंसान बुरहान नज़म के ज़रिए समझता है कि ये नजम जब के साथ चीज़ को वजूद में लाने वाली हस्ती है वो अल्लाह सुबहान वाली की तमाम ये अशिया मखलूक़ हैं उसकी पैदा करना है उस ये सब अल्लाह ने पैदा किया है इनको खलक़ फरमाया है इन सबको वजूद अता किया है लिहाजा वो वाजिबल वजूद है जो बेनियाज है उसके सिवा ये सब मौजूदा और हम इंसान मुमकिन वजूद हैं और हम अपने वजूद में आने के लिए और वजूद की बका के लिए उस वाजिबुल वजूद के लिए की तरफ और उसके मोहताज हैं लिहाजा यहाँ जब बुरहान नज़म कायम की गई और मिसालों के ज़रिए मनवाआत बशर की मिसाल दी गई कतन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अल्लाह के वजूद को गोया शबाहत दी गई इंसान के वजूद के साथ लिहाजा वो अल्लाह जिसको हम साबित करेंगे गोया उसको इंसान से मुशाबह और इंसान जैसा सबित किया गया है और इंसानों जैसा खुदा साबित होगा माज़ल्ला ऐसा नहीं है ये एक शुभा और वसवसा है हाँ साबित होगा वजूद असल वजूद लेकिन उस वजूद के अफरा हैं लिहाजा अफराद को एक दूसरे से न मिलाएँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंसान का वजूद दूसरी अशिया का वजूद आप देख रहे इंसान अशरफुलमखलूक़ात हैं दोनों मुमकिन वजूद हैं लेकिन ये दूसरे मुमकिनमौजूद मुमकिन वजूद चीज़ें वो कमतर हैं और इंसान को अल्लाह ने अशरफुलमखलूक़ात बनाया है बस ये तमाम अशिया मासीबल्ला इंसान समेत हम सब मुमकिन वजूद हैं अपने वजूद के लिए अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह का वजूद जब साबित होता है तो वो वाजिबुल वजूद बेजा ही है बेनियाजा है ऐसा वजूद है जो तमाम नकाइस व्यूब से मुनजा और उसको किसी की ज़रूरत नहीं वो हर चीज़ से गनी और बेनियाज है और तमाम अयूब नका इससे पाको पाकिज़ा ऐसी हस्ती कि जो हमेशा से थी हमेशा है और हमेशा हमेशा रहने वाली ज़ात और ऐसा वजूद बाबरकत है कि जिससे तमाम मौजूदात को वजूद मिलता है लिहाजा ये शुभा एक वसवसा है जहन में कि इस दलील के ज़रिए अल्लाह का वजूद इंसान जैसा वजूद हो जाएगा और उसमें अल्लाह को गोया माज़ल्ला मा, मा इंसान से शबाहत दी जा रही ये एक शुभा है जो जहन में पैदा हुआ हकीकता ऐसा नहीं है जी लफ वजूद है और वजूद का लफ्ज़ जब सादिक आता है तो फिर ये वजूद का लफ्ज़ जब सादिक आता है तो एक मरतबा मफहूम इंसान और इंसान के फर्द इंसान भी फ़र्द है एक मसदाक है हम पर भी सादिक आता है और हम पर सादिक आता है लेकिन हम मुमकिन वजूद हैं और अल्लाह पर वजूद सादिक आता है कोई शबाहत नहीं है वो वाजिबलूद है हम मुमकिन वजूद हैं बस इस बुरहान नजम में मसनूआत बशर की मिसाल देकर और उससे इंसान को समझ कर के यकीन इनका बनाने वाला कोई इंसान है और फिर मसनू आते फ़ितरत को देख कर कुदरत को देख कर इस आलम की अशिया को देख कर हम जो अल्लाह को पहचानते हैं इसमें कोई अल्लाह को इंसान के साथ शबाहत नहीं दी जाती है वो वाजिबुल वजूद बेजा ही का वजूद है जिस पर इंसान यकीन हासिल करता है और ये मिसालों के ज़रिए फ़खर झन दलील को समझने के लिए क्या है उसकी ज़मीन हमवार की जाती है ताकि दलील आसानी से वाज हो जाए और इस दलील के ज़रिए वजूद बारे तला का इदराक और शूर इंसान को हासिल हो सके और इंसान यकीन कर सके उस वाजिबल वजूद बेज़ ही के बारे में व सल्ला मुहमदम वाल्रीन